हाँ जी, आज क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं वीविंग के बारे में, लेकिन वीविंग का पार्ट टू है। पार्ट वन जिसने नहीं देखा, ये पार्ट वन का कोर्स है, नीचे है, यूट्यूब में भी है, आप लोग जाके देखें। आज हम वीविंग के बारे में पार्ट टू कोर्स करेंगे। अच्छा, आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे, आज का कोर्स पिछले कोर्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हम क्या करेंगे आज के कोर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। मैं पूरा लूम का फंक्शन और लूम तक जो धागा पहुंचता है उसका फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे बैठ के। अच्छा, स्पिनिंग में जो हमने लास्ट टाइम काम किया था वो यहाँ तक किया था, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये स्पिनिंग में हम यहाँ तक कर चुके थे। अब देखो, एक धागा बन गया, धागे की कोन बन गई, 5 पाउंड की, 10 पाउंड की, 4 पाउंड की, यूजली 5 पाउंड की कोन बन जाती है। अब मेरी बात को जरा समझना, एक प्रोसेस है रिवाइंडिंग का, रिवाइंडिंग। रिवाइंडिंग क्या है? री का मतलब है दोबारा, वाइंड वाइंड करना, चढ़ाना उसको। रिवाइंडिंग मतलब क्या हुआ, ये जो धागा कोन पे चढ़ा हुआ है, ये आप देख रहे हो कितनी बड़ी कोन बनी हुई है, इतना बड़ा धागा बना हुआ है, ये इतना बड़ा धागा जो चढ़ा हुआ है इसको रिवाइंड करेंगे। रिवाइंड मतलब करेंगे सुपर, धागे को निकालेंगे, निकालेंगे, उतारेंगे, उतार के ये, इसे कहते हैं बेबी कोन, बेबी कोन बनाएंगे। इतनी बड़ी कोन को छोटी कोन बनाएंगे, इतनी बड़ी एक कोन को 3, 4, 5, 6 ऐसा छोटी कोन्स बनाएंगे। रीवाइंडिंग, दोबारा वाइंड करेंगे। वो नहीं, वो पंखों के अंदर नहीं थी, वो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग, दोबारा जो वाइंड होता है ये वही वाइंडिंग है। तो रिवाइंडिंग क्या है, इतनी बड़ी कोन में जो धागे लगे हुए, समझो ये 5 पाउंड की कोन है, तकरीबन तकरीबन 5 पाउंड बोले तो 2.5 किलो, 2 किलो ऐसा कुछ होता होगा। इतनी बड़ी कोन को छोटा करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, उसका एक प्रोसेस है मशीन, ये देखिए, देखें ये प्रोसेस है रिवाइंडिंग करने का, ये प्रोसेस नजर आ रहा है। अब बड़ी कोन को छोटा कर रहे हैं, छोटा, इसको इस तरह से बेबी कोन्स बना रहे हैं, बेबी कोन्स, बेबी बच्चा कोन्स, ये कोन्स हैं। तो बड़ी कोन को छोटे कोन में कन्वर्ट करने का नाम है रिवाइंडिंग। ये एक प्रोसेस है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन ये होता है। ये क्यों होता है अभी आगे पता चलेगा आपको, मैं अभी बताता हूँ, सब बताऊंगा, परेशान ना हो तुम लोग, परेशान हो जल्दी जाते हो, मसला तुम लोगों के साथ ही है। तो बड़ी कोन को छोटा कोन पहले बनाएंगे, प्रोसेस ऑफ रिवाइंडिंग मैंने आपको अभी बताया है। अब रिवाइंडिंग के बाद हम एक प्रोसेस ऑफ वार्पिंग करेंगे, वार्पिंग, WARPING। वार्पिंग क्या है यार, तुम समझ लो इसको रेल कहते हैं, तुम चक्रों में नहीं पढ़ो, आप तो समझो एक बहुत बड़ा लोहे का फ्रेम है, फ्रेम इसलिए देख रहे हो, फ्रेम ये देख रहे हो, फ्रेम, इस फ्रेम में ये जो बेबी कोन्स, बड़ी कोन को जो ये जो छोटा किया है, ये कोन इसके अंदर घुसेड़ देंगे इनके हुक्स में, देखो ये देखो नजर आ रहा है सारा, ये सारे कोन्स घुसेड़ देंगे अब। और ये इसीलिए छोटा किया था, वो इतना बड़ा 5 किलो का कोन डालते हैं ना तो अजीब सा हो जाता, ये छोटी छोटी कोन्स इसीलिए की गई। और फिर एक एक तार खींच के, ये देखो एक एक तार खींच के एक बीम में ले जाते हैं, ये है बीम, नजर आया कितना बड़ा बीम है, इसे बीम कहते हैं। इसमें देखो लपेट रहे हैं, ये लपेट रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हो, ये लपेट रहे हैं ये। लेकिन ये जो जाता है ना, इसमें बड़े पंचायतें होती हैं, पंचायतें क्या होती हैं वो बता देता हूँ मैं, पंचायतें ये होती हैं भाई इसके अंदर, सॉरी पंचायत जो है ना हमारा देसी जबान का वर्ड है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ भाई। इसमें मसले मसाइल क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि जो पीछे का जो धागा है, जो पीछे से आ रहा है और जो आगे से आ रहा है, दोनों की टेंशन में फ़र्क होना चाहिए ना। अब एक पीछे से खींच रहा हूँ, एक आगे से खींच रहा हूँ, दोनों एक जैसे होंगे, एक ही स्ट्रेंथ होगी नहीं, तो टेंशन होती है उनकी, स्पीड, जिस स्पीड से चलते हैं, बहुत सी चीज़ें चेक की जाती हैं। खैर ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मशीन होती हैं वो एक सारा काम कर देती हैं। तो अब इस तरह ये बीम पे चढ़ गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, नज़र आ गया। तो हमने भी क्या किया, रिवाइंडिंग कर ली, ठीक है, फिर हमने क्या किया, वार्पिंग कर ली, फिर हमने क्या किया, बीम पे चढ़ा दिया। अब बीम पे चढ़ के ये इस तरह की फॉर्म में रखा होता है, यहाँ तक होगी कहानी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब जरा बात जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो धागा होता है ना, अब देखो पहले आप लूम में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लूम देख रहा हूँ, ये देख रहे हो धागे, ये देख रहे हो कितने तने में है, कितने खिंचे में है, जरा मैं और खींचूंगा तो टूट जाएगा ना। तो इसमें एक होती है स्ट्रेंथ, CLSP, छोड़ो यार बड़ा मुश्किल वर्ड है, बस तुम समझ, तुम समझो टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी मजबूती चाहिए होती है, उसे CLSP कहते हैं। मैं आप लोगों को उस चक्कर में नहीं डाल रहा, तो इसकी स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन देखो इसको टूटने से बचाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कहते हैं साइजिंग, साइजिंग वर्ड निकला है साइज से, और साइज कहते हैं क्लफ लगाने को। हाँ वही, वो जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हो ना आप लोग, तो अपने कुर्ता शलवार को, व्हाइट रंग कुर्ता शलवार को, वो जो क्लफ में डालते हो अरारूट के अंदर, ये वही क्लफ है। लेकिन इसका क्लफ जरा डिफरेंट होता है, ये क्लफ जरा, क्लफ इसको लगाते हैं उसको मजबूत करने के लिए, स्टिफ करने के लिए, और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है स्मूथ करने के लिए। तो
इसमें क्लफ लगाते हैं इसको मजबूत, याद रखना क्लफ जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता है धागे के अंदर, पेनिट्रेट बोले तो घुसता नहीं है फाइबर के अंदर, क्लफ जो है इसका एक कोटिंग बनाता है, कोटिंग कोटिंग से बना देता है, क्योंकि बाद में उसको उतार डिसाइजिंग भी करनी होती है, उसको उतारना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं एक बुनियादी सी आपको चीज़ बताइए, थोड़ा सा क्लफ बता देता हूँ क्या होता है। बिरयानी घर में बनती है, इस मरतबा बिरयानी खुद बनाना, मैंने भी बिरयानी बनाई थी, वो लॉकडाउन का ज़माना था तो समझ नहीं आ रहा था क्या, तो मैंने खुद बिरयानी बैठ के बनाई, ठीक है ना। तो बिरयानी बनती है, बिरयानी का चावल जब आप उसका पानी उबाल के गिराते हो पतीले से, तो कभी देखना हल्का हल्का वाइट दूधिया पानी आ रहा होता है, हल्का हल्का, वो स्टार्च होता है, स्टार्च उसे साइजिंग कहते हैं। साइजिंग बहुत से किस्म के हो सकते हैं, पोटैटो के हो सकते हैं यानी आलू के हो सकते हैं, मेज़ भुट्टे के हो सकते हैं, वो जो रफान मेज़ स्टार्च है, वो रफान कंपनी जो बनाती है रफान मेज़ स्टार्च, वो भी हो सकता है, और बहुत से होते हैं, अरा रूट है, लेकिन हम इस साइंस में नहीं पढ़ेंगे वो कौन सा है। हमें तो अपने धागे को मजबूत करना है, उसके लिए साइजिंग करेंगे। साइजिंग बोले तो आसान सी जबान में, जब मैं घर में साइजिंग करता हूँ या घर में क्लफ लगाता हूँ तो क्या करता हूँ, एक बड़ा टब लेता हूँ, पानी को पहले पानी को गर्म करता हूँ, उबलते हुए गर्म पानी में उसमें वो करा रूट डाल देता हूँ और फिर उसमें कपड़ा डिप कर देता हूँ, यही होता है ना, इसे ही क्लफ लगाना कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह धागे को भी क्लफ लगाएंगे, लेकिन सिस्टम ज़रा बड़ा होगा, एक बड़ा सा टब लेंगे उसमें पानी डालेंगे, उसमें साइजिंग यानी क्लफ वाला स्टार्च वाला केमिकल डालेंगे और फिर उसके अंदर ही पूरी जो है धागे डाल देंगे। लेकिन जाता कैसे है, ये बीम देख रहे हो, ये बीम एक मशीन में जाता है, ये साइजिंग मशीन है, तो ये बीम को ना वापस खुल जाता है, वापस इसके धागे खोले जाते हैं और धागे खोल कर इस टब और या इस मशीन में गुजारा जाता है। अब आप ये धुआं देख रहे हो, ये वो गरम गरम पानी है जिसके अंदर साइजिंग केमिकल यानी स्टार्च यानी अरारूट डाला गया है इसके धागे को मजबूत करने के लिए। तो यूं समझ लो कि एक टब है, उसमें धागा डाला गया, डिप करके निकाला गया है, तो अब ये जितना धागा बाहर निकल रहा है ये मजबूत धागा निकल रहा है, जो जब लूम पे लगेगा तो ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ साइजिंग। प्रोसेस ऑफ साइजिंग बेसिकली आसान से जबान में बोले तो क्या, मजबूत करना, उस पर क्लफ लगाना है। अच्छा, अब जब ये साइजिंग हो गई तो हमने भी क्या किया, रिवाइंडिंग कर लिया, हमने वार्पिंग कर लिया, हमने साइजिंग कर लिया, अब इसको ले जा के जो है ना ये लूम के पीछे जाके ये ऐसे रख देते हैं, ये बीम को इसके पीछे रख देते हैं और फिर बीम को निकाल, यार बहुत लंबा प्रोसेस है, मैंने तो कोई वीविंग टेक्नोलॉजिस्ट तो बनाना नहीं है, जिसने वीविंग प्रॉपर सीखनी है फिर तो वो यूनिवर्सिटी में जाके सीखे, ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर ये धागे इस तरह से लूम पे जाते हैं, ये देख रहे हो आप लोग, नजर आ रहा है, और ये लूम के अंदर से ये होते हुए ये कपड़ा बन रहा है। अब ये जो धागा आपको नजर आ रहा है ना, ये वही धागे हैं साइज हुए हुए जो आ रहे हैं। तो ये धागा क्या है, वार्प। अब पूछोगे वार्प क्या, पिछला कोर्स जाके देखो, मैं नहीं बताऊंगा तो पिछला कोर्स जाके देखो, उसमें आपको मिल जाएगा कि वार्प क्या होता है, ये तो होगा, क्या ख्याल है, तो पिछला कोर्स जाके देखो, पिछला कोर्स में आपको सारा वार्प वगैरह आपको सारा मिल जाएगा। तो ये है वार्प, मैंने आपको वार्प का फंक्शन बता दिया। वेफ्ट क्या है, ये साइड से धागा, ये कौन संयुक्त साइड से धागा, ये घुस रहा है, ये वेफ्ट है, ये साइड से आता है। देखो मैं तुम्हें आसान से करके बताता हूँ, ये फर्ज करो वार्प के धागे, ये फर्ज करो वार्प के धागे, यहाँ देखो इसको यूं खोला तो ये क्या हो गया, ये वार्प को मैंने एक बार ऊपर एक बार नीचे कर दिया, और ये नहीं, यहाँ से ये मैंने साइड से ये मैंने घुसेड़ा, क्या घुसेड़ा, वेफ्ट का धागा, ये वेफ्ट है, ये साइड से ठड़क करके जाता आता है। अच्छा, ये जाता आता कैसे है, इसका देखो एक तरीका है, इसमें एक होती है शटल बॉबिन, जो इसको एक साइड से, ये देखो एक साइड से लेके दूसरी साइड जाती है, दूसरी साइड से लेके एक साइड आती है, सारा खेल बॉबिन का ही होता है, इसके तरीके हैं अलग अलग फंक्शन, सारा खेल ये तुमने नाम सुने ना, ये शटल लेस द एयर जेट वाटर जेट द ऑटो लूम द पावर लूम, ये सारा खेल इन्हीं इसी शटल चची का है, ये चची घूम रही है ना यहाँ से वहाँ लेके धागे को लेके जाती है, जैसे खैर, तो ये शटल चची जो है ना, ये लेदर से उधर लेके घूम रही है, ये शटल क्या करती है, सेंटर, ये देखो ये मैंने आपको स्लो मोशन दिखा रहा हूँ, ये ठक यहाँ जा रहा है और ये वापस आ रहा है, ये यूं जा रहा है और ये ही वापस आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये वार्प का धागा पहले यूं खुलता है, फिर ये यूं जाता है, फिर ये लॉक हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, और फिर अगला धागा यूं आता है, देख रहे हो, तो ये
ठक 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 वीविंग है, तो ये वेफ्ट है, इसे वेफ्ट इंसर्शन कहते हैं। बल्कि दो वेफ्ट भी, तीन वेफ्ट भी एक साथ जा सकते हैं, वो अगले कोर्स में करेंगे, ठीक है ना। जैसे कहते हैं डीपीआई, डबल पिक इंसर्शन, फ्लांट वगैरह, रिप स्टॉप और क्या 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 क्या, क्या अल्लाह माफ करे। और ये भी है ना ट्विल, ड्रिल, हाफ पनामा, ये क्वालिटीज होती है, परकेल, छरकेल और साटन वटन, ये भी अगले कोर्स में करेंगे यार। सारे तुम आज तो नहीं सीखो ना बैठ के, सारा कोर्स अगर आज सीख लोगे तो फिर अगले में क्या करेंगे, सवाल ये भी है ना। तो ये हो गया पहला हमारा, एक मैंने आपको लूम का फंक्शन बताया। खैर और बहुत से फंक्शन होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, लूम स्टॉपेज होती है, एक आरपीएम होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, वो भी मैं अगले वाले बताऊंगा। लेकिन अब देखो तुम लोग टेक्सटाइल की कोई, मैं कोई ये इंजीनियर नहीं बना रहा बैठ के, मेरा तो सिर्फ आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना फंक्शन है, इतना चाहता हूँ मिले। तो आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं। एक काम करते हैं अगले वाले में ये सीएलएसपी, आरपीएम, ये छोटे कवर फैक्टर, और तेरी बिल्कुल भूल गया था, इनसे निकल गया था कवर फैक्टर का। कवर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरा ख्याल है सारा नेक्स्ट कोर्स में निकालते हैं बैठ के, ठीक है ना, इस कोर्स में नहीं, ठीक है, क्योंकि अब यार उसके थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो कवर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, वो मेरे अभी जहन में नहीं है, वो फिर मैं जाके देखूंगा बैठ के क्या है। अरे चलो यार आगे निकलो ना, तुम लोग तो बस अटक के बैठ गए हो, बच्चे को जो है तुम लोगों ने फंसवा दिया एक बात के अंदर, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये जब लूम से किस तरह कपड़ा निकल रहा है, कपड़ा निकल रहा है और कपड़ा निकल के बाहर आ रहा है, तो ये कपड़ा नीचे आ रहा है, ये इसे कहते हैं ग्रे क्लॉथ, GREIGE, ग्रे क्लॉथ, ये होता है ग्रे क्लॉथ जो आपका आता है, ये कपड़ा बन गया। एक मिनट रुक जाओ, तौलिया कौन बनाएगा, तौलिया भी सीखो ना, क्यों तौलिया नहीं सीखना है बैठ के, जिंदगी में तरक्की नहीं करनी है, तौलिया सीखो ना। तौलिए के लिए क्या करते हैं, वापस आ जाओ, ये जो नीचे बीम रखी ना, ये बीम जो रखी हुई है नजर आ रही है आप लोगों को, जो अभी मैंने आपको बताई थी, इसके ऊपर ये एक और बीम लगा देते हैं, ये तीसरी बीम है तौलिया। ये बीम क्या करती है कि अब जरा हमें समझना पड़ेगा, जरा उसको, ये धागा बन रहा है, फर्स्ट पर धागा बन रहा है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहते हैं जहां पे ये क्रॉस हो रहा है, वहां पे यानी इस जगह पे यहां से ना एक लूप निकलता है, ये देखो नजर आ रहा होगा, लूप निकलता है, ये जो ऊपर लगाई थी ना बीम, ये ऊपर बीम जो लगाई है, इसके अंदर से हम एक लूप बनाता है। इसकी मजे के बाद आप घर के जगह तौलिया लो, उसका एक धागा जो लूप का वो खींचो, वो पूरी लाइन खींच जाएगी, क्योंकि वो एक ही धागा चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तीसरा धागा होता है, इसे पाइल कहते हैं, पाइल उसमें होता है, किसमें होता है, तौलिए में होता है। और फिर बहुत है यार इसमें, अच्छा इसमें कुछ मैं आपको फंक्शनलिटी जल्दी जल्दी बता दूँ,